नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक नए मेडिसिन की बात करते हैं, नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका को शुरू करते हैं। नक्स वोमिका को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जनरल बातें बता दें कि नक्स वोमिका एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, यानी कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गन पे होता है। स्फीयर ऑफ एक्शन इसका ज़्यादा है। ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और ये एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्यूट से एक्यूट केस में भी इसको देते हैं नक्स वोमिका को, और जब हम केस टेकिंग करते हैं या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है नक्स वोमिका का और पेशेंट से मैच करता है तो नक्स वोमिका हम जरूर देंगे। तो नक्स वोमिका से वो पेशेंट जो उसका क्रॉनिक डिजीज़ है, वो जो उसका मॉर्बिड कंडीशन है, वो ठीक हो जाएगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ जनरल बातें लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले नक्स वोमिका का में ये ग्रेट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ग्रेट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, यूज्ड इन क्रॉनिक एंड एक्यूट केसेस। और ये देखिए, जो नक्स वोमिका होता है, आप जनरली देखेंगे ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। मतलब किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जो लेमैन है उससे भी पूछेगा तो वो नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, ब्रैनिया के बारे में बताएगा आपको। तो उसी में से नक्स वोमिका है। तो नक्स वोमिका एवरी एज, किसी भी पर्सन का एज कितना भी हो, वो उसका सेक्स कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, या फिर उसका टेम्परामेंट कैसा भी हो, तो ये नक्स भूमिका उसमें चल सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सुटेबल फॉर एवरी एज एवरी सेक्स एवरी टेम्परामेंट, यानी कि पेशेंट का टेम्परामेंट कैसा भी हो ये चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नक्स भूमिका का, थोड़ा कंस्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, उसका माइंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको देखेंगे इसका माइंड कैसा है, कंस्टिट्यूशन कैसा है। तो एक बात हम बता दें कि जब भी आप नक्स भूमिका एक्यूट केस में देखेंगे तो जिसका गैस्ट्रिक कंप्लेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो पर्गेटिव यूज करता है, मतलब उसका जो स्टूल पास अच्छे तरीके से नहीं होता, हमेशा उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, हमेशा लूज मोशन होता है, हमेशा मतलब गैस्ट्रिक कंप्लेन के केस में नक्स भूमिका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। आप किसी भी लेमैन जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है तो उसमें आप वहाँ पे जब जाएंगे तो बोलेगा कि गैस्ट्रिक कंप्लेन है, मतलब स्टूल पास नहीं हो रहा है, हो पा रहा है अच्छे से, या फिर जो टाइट मोशन मोशन जो है पूरा टाइट हो गया है। ठीक है, तो उस केस में आपको नक्स भूमिका देगा वो। ठीक है, तो इसलिए नक्स भूमिका एक्यूट केस में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। और इसके बाद ये हम आपको बताया कि ये एक क्रॉनिक मेडिसिन भी है, यानी कि जो इसका कंस्टिट्यूशन मैच करेगा तो उसको हम उस केस में, क्रॉनिक केस में भी देते हैं। और ये क्रॉनिक केस में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है नक्स भूमिका। तो अब हम एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जैसे कि एक्यूट केस में नक्स भूमिका को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नक्स भूमिका को सबसे ज़्यादा जो जानते हैं लोग एक्यूट केस में वो है गैस्ट्रिक कंप्लेन के लिए। उसी प्रकार जब हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में नक्स भूमिका को कब सेलेक्ट करते हैं, तो इसका जो टेम्परामेंट होता है नक्स भूमिका का दोस्तों, ये बिल्कुल मॉडर्न सिविलाइज पर्सन का होता है। आप एक बार सोच के देखिए कि मॉडर्न सिविलाइज जो लाइफ है आजकल के जो लोगों का, जो मॉडर्न, इसलिए हम नक्स भूमिका को मॉडर्न मेडिसिन भी बोलते हैं। ठीक है, नक्स भूमिका को एक मॉडर्न सिविलाइज लाइफ का एक मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि लेट से उठना, ठीक है, 9 या 10 बजे उठना, मतलब ज़्यादा जंक फूड खाना, फिर ज़्यादा कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे काम करना, लेट से ऑफिस जाना, ज़्यादा होम में रहना, घर पे रहना ज़्यादा वो प्रिफर करता है। फिर वो सैंग्विन नेचर का होता है, और कैसा होता है, आलसी किस्म का होता है, सेडेंट्री लाइफ उसका लाइफ स्टाइल होता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट यूज करता है, ड्रंकर्ड्स होता है, मतलब कि वाइन, सिगरेट, टोबैको वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज करता है। तो
तो आजकल का जो भी मॉडर्न लाइफ है, जो भी मॉडर्न सिविलाइज्ड पीपल हैं, वो इस तरह के लाइफ को फॉलो करते हैं। आप जनरली आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो भी मतलब आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है या पीपल है, तो वो ऐसे लाइफ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, लेट से उठना है उनका, और फिर वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो जंक फूड खाएंगे, ठीक है, स्पाइसी फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और वो ऑफिस में काम करना चाहते हैं और फिर जल्दी से आना भी चाहेंगे ऑफिस से, और घर में बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, ठीक है, और उनका नींद कभी पूरा नहीं हो पाता है। मतलब इस टाइप का नेचर का नक्स भूमिका का नेचर होता है, ठीक है, जो कि हम क्रॉनिक केस में देखते हैं। तो एक तरह से हम क्रॉनिक इसको लिख सकते हैं, नक्स भूमिका को, कि ये मॉडर्न सिविलाइज लाइफ की तरह मतलब इसको एक्ट करता है ये, ठीक है, नक्स भूमिका, इसको बोला जाता है मॉडर्न सिविलाइज लाइफ पीपल को दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न सिविलाइज लाइफ वाले पीपल को या पर्सन को दिया जाता है। अब इसका बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटल। देखिए मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन जो कंडीशन है पेशेंट का क्रॉनिक केस में नक्स भूमिका का, हम उसको एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप उसको एक बार सब चीज़ों को ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि नक्स भूमिका दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक के लिए। वैसे एक्यूट के लिए तो है ही, क्रॉनिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पेशेंट कैसा होगा दोस्तों? थिन होगा, थिन होगा, ठीक है, डार्क हेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर कॉम्प्लेक्शन का ने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन का होगा, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसका मेनली मेंटल कंडीशन है। तो मेंटल कंडीशन को आप देखिए कैसा होता है इसका पेशेंट या इसका पर्सन नक्स भूमिका का, जिलस नेचर का होता है, ठीक है, जिलस नेचर, यानी कि देखिए जो नक्स भूमिका का पेशेंट है, हम आपको जैसे बताएं कि उसका मॉडर्न सिविलाइज लाइफ होता है। दूसरा बात, नक्स भूमिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर भी वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए उसका कुछ भी लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए नक्स भूमिका का कोई चिल्ड्रेन है, या नक्स भूमिका का कोई एडल्ट है, या कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो सबका जो फोकस होता है ना, वो अपने एम पर होता है। नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है, उसका फोकस एम पर होता है, उसका जो लक्ष्य है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है वो, और जो फोकस करता है जब वो, तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्रकार का जो भी बाधा है वो उसको नहीं रखना चाहता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। मान लीजिए वो बिजनेस कर रहा है, या कोई वर्क कर रहा है, या कोई कंपनी है उसका, अपना खुद का कंपनी है, या खुद स्टडी कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको कोई डिस्टर्ब करे, यानी कि उसके जो एम है, उसका जो लक्ष्य है, उसके लक्ष्य के बीच में कोई आए या उसके काम में कोई दखलअंदाजी करे, ऐसा बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये नक्स भूमिका ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा एंगर किस्म का होता है, बहुत जल्दी गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। मान लीजिए कोई कंपनी का स्टाफ है, कोई कम थोड़ा काम किया, या फिर कुछ ज़्यादा बोल दिया, या थोड़ा सा भी बोला, तो वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। और जिलस नेचर का होता है, जिलस नेचर का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे, इसमें द्वेष का भावना होता है, जलन का भावना आता है, अपने से दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है कि उसका कंपनी आगे बढ़ रहा है, उसका जॉब में ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप का जिलस नेचर का पेशेंट होता है इसका। सैंग्विन टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट, स्पाइटफुल होता है दोस्तों ये, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? विरोध करने वाला, यानी कि कोई कुछ भी बोलेगा उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, विरोध करने वाला, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बीच बीच में हिंदी भी लिख देंगे, क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, स्पाइटफुल होता है, स्पाइटफुल नेचर का होता है, मतलब किसी के अगेंस्ट तुरंत चला जाता है, जब भी इसको बुरा लगता है ये किसी के अगेंस्ट बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। मैलिशियस नेचर का होता है,
मैलिशियस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी का आदर नहीं करता है। डोंट रिस्पेक्ट एनी अदर पर्सन, डोंट रिस्पेक्ट अदर, यानी दूसरे का ये रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। और बताए तो आपको गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, डिबाउचर ही होता है, डिबाउचर्स होता है। डिबाउचर्स का मतलब क्या होता है, आयास किस्म का, ठीक है, डिबाउचर्स को बोलते हैं, आयास किस्म का होता है, ठीक है। इसको डिबाउचर एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको हमेशा जो इसका माइंड है वो सेक्सुअल नेचर का होता है, इस टाइप का, उस टाइप के जो पर्सन का टेम्परामेंट होता है तो उसको हम डिबाउचरी बोलते हैं, आयास इसको बोलते हैं। फिर है आर्डेंट इन नेचर, आर्डेंट नेचर का होता है, आर्डेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है, एक्साइटेड होता है, बोलते हैं ना कि आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, छोट मतलब कुछ भी बात हो तो तुरंत ओवर रिएक्ट करने वाला, मतलब जानने की इच्छा रखने वाला कि क्या हुआ है, क्या हो जाएगा, इस टाइप का होता है। और इम्पेशेंट मतलब पेशेंस नहीं होता है, इम्पेशेंस, ठीक है, इम्पेशेंस टेम्परामेंट का है, इम्पेशेंस टेम्परामेंट। किस चीज़ में मतलब किस चीज़ का इम्पेशेंस होता है, तो देखिए इसको इम्पेशेंस होता है अपने एम को लेके, मतलब वो कंटिन्यूअस फोकस कर रहा है कि बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरा बिजनेस है तो बस पूरा बिजनेस पर फोकस करना है, मेरा कंपनी है तो पूरे कंपनी पर फोकस करना है, मेरा ये वर्क है या वो वर्क है उसी पर बस फोकस करना है। तो ये इम्पेशेंस होता है, मतलब थोड़ा सा भी ये जो चीज़ है तुरंत तुरंत में, मतलब तुरंत छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको इम्पेशेंस यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। इम्पेशेंस होता है ये अपने बिजनेस में, इन बिजनेस या स्टडी या फिर वर्क बोल सकते हैं, या फिर कंपनी है इसका कोई, तो इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए वो कहीं उसको डर रहता है कि बिजनेस में हम फेल ना हो जाए, स्टडी में एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए, बिजनेस में कोई लॉस ना हो जाए, ये मेरा काम है तो काम कहीं रुक ना जाए, तो इस टाइप का इसमें इम्पेशेंस होता है, ठीक है। और वो बिल्कुल नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू एनी वन डिस्टर्ब हिम, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई डिस्टर्ब करे, ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई डिस्टर्ब करे। सोच लीजिए इसका पेशेंट इतना एंगर होता है, मतलब इसको कोई डिस्टर्ब करना भी चाहे तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको रास्ते से अपना हटा देगा, चाहे वो इसको कुछ भी हद तक जाना पड़े, उसका मर्डर ही क्यों ना करना पड़े, इतना खतरनाक होता है नक्स वोमिका का पेशेंट, ठीक है। और डिसेप्शन होता है, डिसेप्शन बता रहे हैं दोस्तों, डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा देने वाला, ठीक है, धोखेबाज। यानी कि हम आपको बताएं ना कि ये जो जो भी इसका बिजनेस है या इसका स्टडी है ये जीलस नेचर का होता है, ये नहीं चाहता कि इससे कोई आगे बढ़े, तो इसलिए ये किसी को धोखा भी दे सकता है। आप इस बात को समझिए, आप इस नक्स भूमिका का नेचर, इसका मेंटल समझिए, इसका मेंटल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्स भूमिका का मेंटल स्पेशली, इसलिए इस ये वीडियो को बनाने में मुझे लेट हो गया क्योंकि मुझे भी पढ़ना था, इसका मेंटल बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति का, कॉम्पिटेटिव नेचर का होता है, धोखेबाज होता है, मतलब ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, एम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को धोखा दे सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, मतलब इस नेचर का मतलब इस टेम्परामेंट का नक्स का पेशेंट होता है। एंगर टेम्परामेंट, देखिए एंगर टेम्परामेंट तो इसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है, एंगर तो होगा कब से, हम आपको यही बताते रहे कि इसका जो नेचर है ये एंगर टेम्परामेंट का होगा। और बात, ये सेडेंट्री होता है, ठीक है, आलसी किस्म का होता है, बोले तो आपसे कि ये 9 बजे 10 बजे सो के उठेगा, ठीक है, लेट से उठना चाहेगा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है इसका, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। और एन्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होगा इसको, बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है अपने बिजनेस को लेके, अपने कंडीशन को लेके, अपने वर्क को लेके, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है ये, एन्जाइटी विथ इरिटेबल, इरिटेट भी होता है,
with irritable and inclination to suicide, inclination to suicide, यानी कि इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसको कोई, मान लीजिए इसको बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर ये कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, या फिर कोई इसको धोखा दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा कि हम सुसाइड कर लें, मर जाए हम, बट ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डाई, लेकिन वो मरने से भी डरता है। आप एक बार सोच के देखिए कि नक्स भूमिका का पेशेंट कैसा है, एक बार मरने का इसको ख्याल आ रहा है, मरना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, लेकिन उसको मौत से डर लगता है, उसको मरने से डर लग रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं दिखाता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मतलब किसी को धमकाना हो, किसी को डराना हो, जैसे मान लीजिए इसकी गर्लफ्रेंड है कोई, तो उसको धमकाने के लिए बोल सकता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेगा वो, एक तरह से चीटर, चीटर किस्म का होता है नक्स भूमिका, ठीक है। बट ही इज अफ्रेड फ्रॉम डाइंग, वो मरने से डरता है, लेकिन वो दिखाएगा, वो उसको दूसरे को शो करेगा कि हम अभी सुसाइड कर लेंगे, तुम ऐसी ऐसा करो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन वो मरने से डरता है। बट ही इज अफ्रेड फ्रॉम डाई, लेकिन वो मरने से क्या करता है, डरता है, कुछ नहीं करेगा, वो नहीं मरेगा, बस दिखावा कर रहा है। फिर कैसा दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर का होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर का होता है इसका। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है कि जो लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मतलब कि बहुत लोगों का नेचर होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका पेन या फिर उनका दर्द है या उनको बुखार है, तो थोड़ा सा भी रहेगा तो वो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि देखिए ना डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत जोर से पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जबकि है नहीं उनको पेन, थोड़ा सा पेन है, माइनर पेन है, माइन्यूट पेन है, बट वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो जो छोटी मोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जो बोलते हैं ना कि मिर्च मसाला लगा के बोलने वाले लोग होते हैं कुछ, तो उस टाइप का ये होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, यानी कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले कौन, क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। अच्छा, ये दोस्तों लिटरेरी लिटरेरी है, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा है, हम आपको बताएं तो ये लिटरेरी मतलब ये मॉडर्न सिविलाइज पर्सन है ये, ठीक है, मॉडर्न जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियस है कि लिटरेरी होगा, ठीक है, स्टडियस पर्सन, स्टडियस टेम्परामेंट होगा, स्टडियस होगा, पढ़ने वाला होगा, या बिजनेस है या फिर इसका कंपनी है, जो भी है लिटरेरी है, स्टूडियस है। और एक और बात, ये हम बताएं आपको कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब होता है, और ये हमेशा घर में रहना चाहता है, वांट्स टू लिव लाइफ टू मच एट होम, वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि वो ऑफिस जाए या कोई काम करे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, ये ड्रंकर्ड्स होता है, ठीक है, ड्रंकर्ड्स यानी कि बहुत ही बड़ा वाला पियक्कड़ होता है ये। ड्रंकर्ड्स का मतलब हुआ कि वाइन लेता है, ठीक है, ड्रंकर्ड्स का मतलब तो ये हुआ कि ये वाइन लेता है, लेकिन हम आपको और बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट यूज़ करता है, वाइन हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, ठीक है, सिगरेट हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, टोबैको हो सकता है, टोबैको चेविंग करता होगा, टोबैको हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग करेगा, कॉफ़ी होगा, जो भी स्टिमुलेंट होता है, ये स्टिमुलेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, परगेटिव्स का यूज़ करता है, ठीक है, परगेटिव्स। अब परगेटिव क्या होता है, देखिए, जिसका जो हमेशा गैस्ट्रिक कंप्लेन रहता है, जिसको पेट में हमेशा गैस बनता है, या फिर उसका पेट हमेशा साफ नहीं रहता, उसको उसको ऐसा लगता है कि स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, या फिर मोशन जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, जो भी स्टूल है, तो वो हमेशा परगेटिव्स यूज़ करता है, ठीक है।
लूज मोशन, मतलब मोशन अच्छे से हो, मतलब मोशन इजली पास हो, जो स्टूल है इजली पास करने के लिए पर्गेटिव्स यूज़ करता है। तो पर्गेटिव्स एक मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का एक टाइप होता है पर्गेटिव्स, जो कि लूज मतलब स्टूल को आसानी से पास करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज यूज टू पास आउट इजली स्टूल, यानी सुबह सुबह उठ के वो पहले पर्गेटिव लेगा, सुबह सुबह उठ के कोई पिल्स लेगा, दवा लेगा, तब जाके वो वॉशरूम में जाता है, ऐसा इसका नेचर है। बहुत लोगों का होता है, आजकल आप लोग देखिएगा, जो भी मॉडर्न लोग हैं वो देखिएगा कि 9 बजे 10 बजे उठेंगे, फिर बोलेंगे कि वॉशरूम जाएंगे, बोलेंगे पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ, स्टूल अच्छे से पास नहीं हुआ, तो फिर पर्गेटिव्स लेते हैं। तो ऐसा नेचर का होता है ये, और ये इतना स्टूडेंट यूज़ करता है। ठीक है, और एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस, यानी कि ऐसा इसका नेचर है, देखिए कि मतलब जो बात से कोई रिएक्ट नहीं करता उस बात पे भी रिएक्ट करने वाला होता है। हार्मलेस वर्ड मतलब कि अच्छी तरीके से भी कोई इससे बात करे ना और इसका मूड खराब है, तो उस बात को टर्न कर देगा और उस पर गुस्सा हो जाएगा, उससे एंगर हो जाएगा, उसको उसको मतलब डांटने लगेगा, या उसको थप्पड़ भी लगा सकता है, ऐसा होता है। एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंस, मतलब कि हार्मलेस वर्ड को भी मतलब कोई एक होता है कि गुस्सा हो गया किसी इससे कोई बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो नॉर्मली भी दूसरा कोई इससे अच्छी तरीके से भी बात कर रहा है, जब इसका नक्स भूमिका का मूड खराब है तो उसको क्या करेगा, डांटेगा या फिर अपने भाषा में उसको गाली देगा, जो भी है एब्यूज करेगा। फिर इसका पर्सन दोस्तों केयरफुल भी होता है, और केयरफुल किसके प्रति होता है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने कंपनी के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होगा। ठीक है, एक्साइटेड होगा, एंगर होगा, और वो तो बताएं इजली एक्साइटेड या एंगर हो सकता है, इजली एक्साइटेड, बहुत जल्दी एक्साइटेड, या एंगर, क्योंकि एंगर टेम्परामेंट ही है इसका, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था दोस्तों अब तक मेंटल कंडीशन ऑफ द नक्स भूमिका, जो कि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, और नक्स भूमिका का मेंटल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गैस्ट्रिक कंप्लेन ऑफ नक्स भूमिका देखते हैं। इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन हम आपको बताएं पहले भी कि गैस्ट्रिक कंप्लेन इसका एक्यूट केस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको क्रोनिक में भी देख सकते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेन को। तो इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन है दोस्तों, ये जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है गैस्ट्रिक कंप्लेन, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल या हाईली स्पाइसी फूड लेने से, सीजनिंग फूड लेने से, ओवर ईटिंग से, जंक फूड खाने से, पर्गेटिव यूज करने से। लॉन्ग टाइम पर्गेटिव्स यूज करता है ये, मतलब ऐसा है कि इसका पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएगा, आपके चैम्बर में आएगा, तो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम हमेशा ये दवा यूज़ करते हैं, तब हम जाते हैं वॉशरूम सुबह सुबह। बहुत लोगों का ये नेचर होता है कि पर्गेटिव्स यूज करते हैं सुबह कि पेट साफ हो जाए। ठीक है, तो स्टोमक स्टोमैक कंप्लेन विथ कॉफी, टोबैको, अल्कोहल, हाईली स्पाइसी फूड, सीजन फूड, ओवर ईटिंग, पर्गेटिव्स, जंक फूड, यानी कि जो इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन, जो इसका पेट का कंप्लेन है, वो हमेशा आप देखेगा कि जब भी गैस्ट्रिक कंप्लेन होगा तो इसको कॉफ़ी से, हम आपको बता ना, इसको बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सुबह सुबह कॉफ़ी पिएगा, सुबह सुबह, या टोबैको लेगा,
अल्कोहल लेगा, सुबह सुबह भी अल्कोहल ले लेता है, हाईली स्पाइसी फूड, दोपहर में जब भी खाना खाएगा तो सोचेगा कि समोसा खा लेते, पिज्ज़ा खा लेते, बर्गर खा लेते, इतना इसका मतलब हाईली स्पाइसी फूड के लिए क्रेविंग होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद है। लेकिन बेचारे के साथ दिक्कत ये है कि फिर इसका पेट गड़बड़ हो जाता है, सीजनिंग फूड खाएगा, ओवर ईटिंग करेगा, ज़्यादा खा लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा, पर्गेटिव्स यूज़ करेगा, जंक फूड खाएगा, तो इससे इसका स्टोमक का कंप्लेन रहता है हमेशा। ठीक है, एक और बात दोस्तों, इसका जो नॉर्मली जब भी ये डाइट लेता है, जब भी खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद इसके पेट में पेन होता है। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक, 1 से 2 घंटे तक इसके पेट में प्रेशर बना रहता है। ठीक है, तो प्रेशर इन प्रेशर इन स्टोमक एज पेन की तरह प्रेशर होगा। ठीक है, आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ मिल्क, यानी कि मिल लेने के 1-2 घंटे तक इसके पेट में पेट भारीपन लगता है, भारी भारी जैसा लगेगा। ठीक है, कैसा फील होगा? टाइटनेस। ठीक है, टाइटनेस लगेगा। पायरोसिस, पायरोसिस आप लोग समझते होंगे, पायरोसिस का मतलब होता है दोस्तों हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न क्या होता है? यानी कि जो अपर बर्निंग पेन होता है ना अपर चेस्ट रीजन में, पायरोसिस को क्या बोलते हैं? बर्निंग पेन, बर्निंग पेन इन अपर चेस्ट, अपर चेस्ट रीजन। ठीक है, होता है कि कभी कभी डकार आने के बाद हार्ट बर्न का केस होता है, मतलब हार्ट बर्न मतलब ऐसा लगता है कि गले के पास कुछ जल रहा है। क्यों? क्योंकि इतना स्पाइसी फूड खा रहा है, इतना ये जंक फूड ले रहा है, स्पाइसी फूड, जंक फूड ले रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पायरोसिस होना तो नॉर्मल है, टाइटनेस होगा। ठीक है, और क्या रहेगा? प्रेशर होगा। फिर ये क्या करेगा? लूज इन द क्लॉथ, मतलब जो भी कपड़ा पहना उसको थोड़ा, जीन्स ट्राउजर जो भी है उसको थोड़ा लूज कर लेगा, लूज इन द क्लॉथ, खाना खाने के बाद वो अपने कपड़े को थोड़ा लूज कर लेता है। हाँ, और खाना खाने के बाद ये आराम करना चाहेगा, 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं चाहेगा, अपना दिमाग यूज करे। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लग रहा है, तो क्या काम करेगा? कुछ भी काम नहीं करना चाहता। कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, कैन नॉट यूज माइंड आफ्टर, सॉरी, कैन नॉट यूज माइंड फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील। ठीक है, खाना खाने के बाद ये 2 से 3 घंटे तक कोई भी काम नहीं करना चाहेगा और अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेन, थोड़ा लंबा है दोस्तों, इरेक्टेशन की। ठीक है, इरेक्टेशन क्या होता है? इरेक्टेशन का मतलब होता है दोस्तों डकार, इरेक्टेशन, इरेक्टेशन का मतलब होता है डकार आना। ठीक है, तो इसका इरेक्टेशन होता है दोस्तों सावर, खट्टा, बीटर, क्योंकि इसका फूड हैबिट ही ऐसा है कि सावर और बिटर इसका इरेक्टेशन होगा, और हमेशा इसको नौजिया वाला फीलिंग रहेगा। नौजिया का मतलब क्या होता है? वॉमिट, कि जैसा अभी वॉमिट करने ही वाले हैं, उसको नौजिया बोलते हैं, जी मिचलाना उसी को बोलते हैं, नौजिया को ही जी मिचलाना बोलते हैं, नौजिया। ठीक है, नौजिया का फीलिंग होगा, नौजिया फीलिंग आफ्टर मील, खाने के बाद इसको नौजिया जैसा लगेगा, क्योंकि ओवर ईटिंग कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है और इसको ऐसा फील करता है, एंड फील इफ आई कुड ओनली वॉमिट, यदि मैं वॉमिट कर लेता ना तो मुझे बहुत आराम मिलता है। इसको जो नक्स भूमिका का जो गैस्ट्रिक कंप्लेन होता है, इसको ऐसा लगता है, इसको हमेशा वॉमिट जैसा लगेगा, हमेशा इसको नॉजी वाला फीलिंग आएगा कि अब थोड़ा वॉमिट कर लेते हैं, ऐसा लगेगा कि गले में, थ्रोट में आके जो बबल कंटेंट है वो फंस गया है, बस वॉमिट ही करने वाले हैं,
और वॉमिट कर लेते तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाते हैं, इसको ऐसा लगता है। एंड ही फील्स इफ आई कुड ओनली वॉमिट देन आई वुड बी सो मच बेटर, देन आई वुड बी सो मच बेटर। यानी कि जब हम वॉमिट कर लेते हैं, इसका नक्स वोमिका का जो पेशेंट है ऐसा सोचता है कि यदि हम वॉमिट कर लेते तो हम मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता, हम रिलैक्स हो जाते हैं वॉमिट करने के बाद, ऐसा इसका वॉमिटिंग होता है या फिर ऐसा इसका कंप्लेन होता है गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों गैस्ट्रिक कंप्लेन के बारे में। अब बात करते हैं नक्स वोमिका का कॉन्स्टिपेशन। बताया दोस्तों कि नक्स वोमिका गैस्ट्रिक कंप्लेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडी है एक्यूट केस में, ठीक है, और क्रॉनिक केस में भी। तो इसका कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। देखिए, जो नक्स वोमिका का पेशेंट है ये जब सुबह उठता है तो इसका बॉवेल क्लियर नहीं होता है, वॉशरूम जाता है तो इसका पेट साफ नहीं होता है, स्टूल इजली पास नहीं होता है इसका, ऐसा ध्यान रखिए। तो इसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है इसको, इसलिए तो ये पर्गेटिव्स यूज करता है। हम आपको बताया ना किसका पर्गेटिव यूज करने का आदत होता है, जब तक पर्गेटिव नहीं लेगा ये वॉशरूम सुबह सुबह नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको जब एक बार वॉशरूम जाता है तो इसको फिर आएगा वॉशरूम से, फिर बार बार जाने की मतलब चाह रखता है, डिजायर रखता है कि एक बार में इसका पेट जो है पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, एक तरह से एक बार में पूरी तरह से स्टूल पास नहीं हुआ है, फिर से वो जाना चाहेगा, या ऑफिस जाने से पहले 2-3 बार चला जाएगा ये स्टूल पास करने, वॉशरूम 2-3 बार चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार में इसका पेट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसका मतलब ऐसा इसका कॉन्स्टिपेशन होता है। तो विथ फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर ऑफ स्टूल, विथ फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर ऑफ स्टूल पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस, पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेसेस एट वन टाइम, मतलब एक समय पे बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टूल पास कर पाता है, इसलिए ये बार बार वॉशरूम की तरफ अपना रुख करता है। स्टूल पासेस अल्टरनेटली, यानी बार बार जाना चाहेगा, एक बार में इसका स्टूल क्लियर नहीं होता है, स्टूल पासेस अल्टरनेटली, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिजायर ऑफ स्टूल इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, उठता है ये सुबह में और सीधे स्टूल सीधे वॉशरूम की तरफ रुख करता है, और फिर इसका मेंटल एक्सर्शन के बाद भी, मतलब इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन जो इसका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट, हमेशा ये एग्रेवेशन होता है उसमें, या तो मेंटल एक्सर्शन एक्सर्शन करने के बाद या सुबह उठने के बाद, इसका बॉवेल क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रीक्वेंट डिजायर ऑफ पासिंग स्टूल इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह में, या फिर आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, और जब इसका स्टूल पास होगा तो लेबर पेन होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, स्पास्मोटिक पेन होगा, लेबर वायलेंट स्पास्मोटिक पेन। लेबर वायलेंट
स्पाज़मोडिक पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल. ठीक है दोस्तों, या यूरिन पास करते समय, स्टूल पास करते समय, और पासिंग यूरिन और यूरिन, या यूरिन या फिर स्टूल जब भी पास करेगा तो इसको स्पाज़मोटिक पेन होगा, लेबर पेन होगा. हाँ, इसका डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों अल्टरनेट होता है. अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन इन पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव्स. जो यूज़ करता हमेशा परगेटिव्स, तो परगेटिव्स यूज़ करने के बाद परगेटिव क्या करता है, वो लूज मोशन करवाता है. मतलब जब मोशन टाइट होता है तो उसको लूज करता है, बोवेल मोशन, बोवेल को लूज करता है. जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा रेक्टम है, उसको लूज करता है. तो परगेटिव यूज करने का यही एक डिसएडवांटेज है कि उसको अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो वो क्या यूज़ कर रहा है, परगेटिव्स, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी डायरिया भी होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेंस का. जो फीमेल में मेंस आता है नक्स वोमिका का, उसका थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं. तो पहली बात, मेंसेस जो है, मेंसेस अपीयर एट 2 वीक्स. मेंसेस अपीयर एट 2 वीक, इतना जल्दी आ जाता है इसका मेंस. ठीक है, 2 सप्ताह पे. कितना नॉर्मली कितना में आता है, 4 वीक्स पे. 28 दिन का साइकिल होता है दोस्तों, 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन इसमें 2 वीक में ही आ जाता है, 2 सप्ताह में ही इसका मेंस आ जाता है. इतना टू अर्ली होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू अर्ली मेंस आता है इसका. ठीक है, इरेगुलर है. ठीक है, और जब भी आएगा तो प्रोफ्यूज आएगा, मतलब कि अच्छा क्वांटिटी में इसका मेंस आता है. ठीक है, जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज होता है, और लॉन्ग लास्टिंग रहता है. ऐसा नहीं कि पहले आ गया तो तुरंत ही 2 दिन 1 दिन में मेंस पीरियड खत्म हो जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों तक रहता है. ये सब दोस्तों हम जो भी लाइन लिख रहे हैं, ये सारा का सारा एज इट इज एलन में लिखा हुआ है. ठीक है, तो एलन को एक इस वीडियो को देखने के बाद आप एलन पढ़ लीजिएगा, तो पूरा का पूरा नक्श उनका क्लियर हो जाएगा. उसके बाद दोस्तों जो भी इसका अदर कंप्लेन है, ओल्ड कंप्लेन है पहले का, वो सब मेंस के टाइम अपियर होगा. तो अदर कंप्लेन एंड पेशेंट्स स्टार्ट विथ मेंसेस एंड रिमेनिंग आफ्टर, यानी कि जो कंप्लेन है, अदर कंप्लेन, अदर कंप्लेन या फिर ओल्ड कंप्लेन स्टार्ट और ऑनसेट विथ मेंस, मेंस के साथ वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उसका दूसरा कंप्लेन है बॉडी में, एंड रिमेनिंग आफ्टर, और मेंस के बाद भी वो रहता है इसका कंप्लेन. ठीक है, तो जब भी इसका मेंस आएगा तो इसके बॉडी में दूसरा कंप्लेन है वो भी एग्रेवेट हो जाएगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा. और इसका मेंस बहुत पहले आ जाता है, 2 सप्ताह पे ही, और इरेगुलर होता है, प्रोफ्यूज होता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है, तो ये है दोस्तों नक्स वोमिका का मेंस. अब कुछ जनरल सिम्टम की बात करते हैं और फिर कुछ फीवर ओवर भी देखेंगे. तो उसको बैकेक रहता है, यानी कि बैक में पेन होता है. मस्ट सीट अप, ये बैठना चाहता है. बैकेक, मस्ट सीट अप, और टर्न ओवर, टर्न ओवर इन बेड, यानी बेड पर इधर से उधर, इधर से उधर वो टर्न करेगा. मस्ट टर्न ओवर इन बेड और मस्ट सीट अप, या फिर उठ के बैठ जाएगा. इसका बैक में, इसके नक्स भूमिका का बैक, बैक में इतना पेन है. और ये बैक में जो पेन है वो किस रीजन में होता है, स्पेशली लोअर साइड में. ठीक है, बैकेक जो है इसको हम बोलते हैं लंबैगो, लंबैगो. लंबैगो का मतलब क्या होता है, लोअर बैक पेन.
लोअर बैक पेन, ठीक है। लोअर बैक पेन है दोस्तों, और कुछ बात ये है कि जो इसका बैक एक है या लंबैगो पेन है, ये कैसे होता है, इसमें कैसे स्टार्ट होता है? तो ये सेक्सुअल वीकनेस से होता है, ठीक है, फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस, ठीक है। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है उसके बाद हो सकता है, या फिर इसको सेक्सुअल वीकनेस बोल सकते हैं, या फिर मास्टरबेशन से हो सकता है, मास्टरबेशन से हो सकता है, मास्टरबेशन से भी लंबैगो या फिर बैकएक हो सकता है, ठीक है। और ये दूसरे मेडिसिन में भी है दोस्तों, लंबैगो या बैकएक ड्यू टू सेक्सुअल वीकनेस या फिर मास्टरबेशन, ठीक है। ये कोई ज़्यादा गाइडिंग सिम्टम नहीं है नक्स वोमिका के लिए, क्योंकि बैकएक मतलब लोअर बैक में प्रॉब्लम सेक्सुअल वीकनेस और मास्टरबेशन से नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, बट क्रॉनिक डिजीज में इसको हम एक सिम्टम के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों रिपग्नेंस, रिपग्नेंस टू कोल्ड, यानी कि ये कोल्ड को दोस्तों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनटॉलरेट होता है, इनटॉलरेट रिपग्नेंस का मतलब होता है ये टॉलरेट नहीं कर पाता, कोल्ड हो या फिर कोल्ड एयर हो, ठीक है, या चिली, ये सर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट लिस्ट मूवमेंट को भी, थोड़ा सा जहाँ पर भी पेन होता है ये मूवमेंट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता है। और जब इसको हाँ फ्रॉम अनकवरिंग, मतलब जब भी इसको बुखार होगा तो बुखार में या स्वेट आए या सर्दी लगे या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगे, लेकिन ये अपने पूरे होल बॉडी को कवर करके रखता है, तो रिपग्नेंस, रिपग्नेंस टू कोल्ड, चिली, लिस्ट मूवमेंट, अनकवरिंग, यानी कि अपने को ये हमेशा चादर से ढक कर रखना चाहता है, ये अनकवरिंग को भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हमेशा अपने को कवर रखना चाहता है, अनकवरिंग, ठीक है। तो मस्ट बी कवर्ड, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर लाइक स्वेट आए, फीवर के साथ स्वेट आए, चिली हो या हॉट हो पूरा इसका बॉडी, लेकिन ये अपना चादर बिल्कुल नहीं हटाएगा और अपने को कवर करके रखना चाहता है। अब बात कर लेते हैं इसका फीवर का, फीवर ऑफ नक्स वोमिका। तो इसका जो फीवर है दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर के केस में देते हैं, इंटरमिटेंट फीवर के केस में हम देते हैं नक्स वोमिका। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब ये होता है कि एक बार फीवर आता है वो पूरी तरह से नहीं जाता है और फिर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 102 डिग्री बुखार है, वो नॉर्मली 100 हुआ फिर वो 102 103 आ गया, ऐसे होता है, वो पूरी तरह से 98.6 पर नहीं आएगा, नॉर्मली आएगा जाएगा, ऐसा होता है इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। और जो इसका पेशेंट होता है दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिल्कुल भी जब उसको फीवर होगा तो वो अपने को अनकवर नहीं करेगा। ड्यूरिंग फीवर पेशेंट मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम, मतलब फ्रॉम हेड टू फुट, वो सर से लेके पांव तक अपने को पूरा फुल्ली कवर करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग फीवर पेशेंट मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट इन एवरी स्टेज, या उसको गर्मी लगे या उसको सर्दी लगे या उसको पसीना चले, कुछ भी हो, इन एवरी स्टेज, कोल्ड हो, स्वेट हो, हॉट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हेड टू फुट क्या करेगा, हेड टू फुट अपने को क्या करेगा, कवर करेगा, कवर,
ये बात आप याद रखिए फीवर के लिए। और जब इसको दोस्तों गर्मी मतलब जब इसको फीवर होता है तो ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग होता है, ग्रेट हीट कैसा, एकोनाइट के जैसा, ठीक है। बॉडी जो है इसका बर्निंग होगा, पूरी तरह बॉडी इसका जलेगा, बर्निंग हॉट। फेस जो होगा दोस्तों इसका रेड हो जाएगा एंड हॉट, येट पेशेंट कैन नॉट मूव, पेशेंट कैन नॉट मूव। तो ये था दोस्तों फीवर ऑफ नक्स वोमिका। रेस्पायरेटरी कंप्लेन की बात कर लेते हैं आप, रेस्पायरेटरी कंप्लेन ऑफ नक्स वोमिका, यानी जब सर्दी होता है तो उस कैटरल जिसको बोलते हैं, कैटर बोलते हैं, ठीक है, या स्नीजिंग वगैरह केस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है नक्स वोमिका, सर्दी खांसी के केस में भी, जिसको बोलते हैं बंद नाक, ठीक है। तो उसमें भी तो केस इसका है, कैटरल के केस में हॉर्सनेस, हॉर्सनेस के साथ इसका जो खराश होगा गले में जो, तो वो हॉर्सनेस उसको बोलते हैं, खराश को। विथ स्क्रैपिंग इन थ्रॉट, यानी कि उसको उसका लगेगा उसका गला पूरी तरह से कोई खींच के निकाल रहा है अंदर से, जिसको बोलते हैं हॉर्सनेस, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रैप करना, ठीक है। तो वो ऐसा लगेगा इस तरीके से इसका खराश है गले में, ठीक है। अस्थमा के केस में दे सकते हैं, अस्थमा विथ फुलनेस ऑफ स्टोमक, फुलनेस ऑफ स्टोमक, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका केस है अस्थमा का, उस समय इसका पेट फुलनेस, मतलब ऐसा लगे पेट, जो भी इसका कंप्लेन होता है दोस्तों वो स्टोमक से एग्रेवेट होता है, बस ये समझिए, ठीक है। तो अस्थमा विथ फुलनेस ऑफ द स्टोमक का मतलब ये हुआ कि जो इसको अस्थमा है या फिर इसको अस्थमा जैसा आ रहा है, वो उस टाइम इसका फुलनेस ऑफ द स्टोमक है, पेट मतलब भरा है, मतलब कंटिन्यूअस इसका जो पेट हमेशा फुलनेस ही रहता है, कभी भी वो अपने को खाली खाली महसूस नहीं करता, हमेशा इसका पेट भरा रहता है, ठीक है। स्नफल्स ऑफ इस इन्फेंट, जो सर्दी जुकाम होता है ना बच्चों में, स्नफल, इसको हम स्नफल बोलते हैं, स्नफल ऑफ इन्फेंट। स्नफल का मतलब क्या होता है, जुकाम, सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चों में, छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम, या फिर एडल्ट में भी, तो सर्दी जुकाम के केस में हम दे सकते हैं नक्स वोमिका, ठीक है। ड्राई एट नाइट, जो दोस्तों इसका सर्दी जुकाम होगा वो रात को बिल्कुल ड्राई होगा, एंड फ्लुएंट बाय डे, दिन में इसका नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और रात को बिल्कुल ड्राई रहेगा। इसका जो नोज है वो ड्राई एट नाइट, फ्लुएंट बाय डे, दिन में जो म्यूकस है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा नाक से, नोज से, और रात को बिल्कुल ड्राई रहेगा, सांस भी नहीं ले पाएगा, पूरा ड्राई रहेगा, और दिन में पूरा नजल डिस्चार्ज होगा। तो ऐसा इसका जुकाम होता है। तो जुकाम के केस में, स्नफल के केस में नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करता है। और जो भी रेस्पायरेटरी कंप्लेन है दोस्तों वो वार्म रूम में एग्रेवेट हो जाता है, रेस्पायरेटरी कंप्लेन एग्रेवेट इन वार्म रूम, ठीक है, और एमिल्यूरेट इन कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, ओपन एयर, सिटिंग इन, सिटिंग ऑन स्टोन स्टेप, ऐसा लिखा हुआ है एलन में, यानी कि जब वो पत्थर की सीढ़ियों पे बैठता है या पत्थर का कुछ बैठने वाला जगह बना है उस पे बैठता है, तो ये पत्थर का जो भी बेंच है या जो भी मतलब बैठने की जगह है वो कहाँ होगा, वो पार्क में होगा या फिर खुले आसमान के नीचे होगा, तो वहां पे वो अपने को कोल्ड एयर में पाएगा या फिर उसको ओपन एयर अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा सिटिंग ऑन स्टोन स्टेप से
मतलब पत्थर पे जब वो बैठता है तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स करता है, उसका रेस्पिरेटरी कंप्लेन कम होता है, ठीक है, एम्यूलेट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेन का, नक्स वोमिका का पेन कैसा होता है। टिंगलिंग होगा, टिंगलिंग का मतलब क्या होता है, झुनझुनी वाला पेन, ठीक है, झुनझुनी वाला। स्टिकिंग होगा, चिपचिपा होगा, ठीक है, स्टिकिंग हार्ड एकिंग, ठीक है। वर्स फ्रॉम मोशन, वो जैसे दोस्तों ब्राइनिया में होता है कि वर्स फ्रॉम मोशन, उसी प्रकार इसमें भी होता है वर्स फ्रॉम मोशन। इसका पेन जो है वो मोशन से बहुत ही जल्दी एग्रेवेट हो जाता है, वर्स फ्रॉम मोशन। वो बिल्कुल जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे मोशन नहीं चाहता है, या उस पार्ट या उस ऑर्गन में मोशन बिल्कुल नहीं चाहेगा, मोशन हो या फिर उसको कोई टच ना करे, मोशन एंड कॉन्टैक्ट से उसको बचा के रखता है कि कोई वहाँ पे टच ना करे, जिससे कि और भी उसका कंप्लेन एग्रेवेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है नक्स भूमिका, कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर, सल्फर का बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री है सल्फर इन नियरली ऑल डिजीज। यानी कि जब आपको नक्स भूमिका नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है कहीं पे, तो वहाँ उस जगह पे आप सल्फर दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, ठीक है, या फिर नक्स भूमिका के बाद आप सल्फर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्रेवेशन और एम्यूरेशन का, यानी कि मॉडलिटी। मॉडलिटीज ऑफ नक्स भूमिका का मॉडलिटी की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एग्रेवेशन देखेंगे, फिर एम्यूरेशन देखेंगे। तो एग्रेवेशन इसको कैसे होगा, मॉर्निंग वेकिंग एट, मतलब उठता है 3 से 4 बजे सुबह में, ठीक है। इसको लोअर बैक में इतना पेन होता है कि ये सुबह 3 से 4 बजे ही उठ जाता है, इसका नींद सुबह सुबह पूरा नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नक्स भूमिका का, ये मार्क सिम्टम है दोस्तों, इसलिए इस पर हम 2 स्टार लगा रहे हैं कि मॉर्निंग वेकिंग है, ये सुबह उठने वाला है, और इसका कंप्लेन जनरली सुबह 4 बजे 3 बजे सुबह में एग्रेवेट होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये मेंटल एग्जर्शन से इसका एग्रेवेशन होता है, मेंटल एग्जर्शन से होता है। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद इसका पेट भारी भारी लगने लगता है, प्रेशर बन जाता है पेट में, ओवर ईटिंग से, और किससे एग्रेवेशन होता है, टोबैको से, कॉफी से, स्पाइसेस से, नारकोटिक्स से, ड्राई कोल्ड एयर, हम आपको बताया ना ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है, ड्राई कोल्ड एयर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठंडी के प्रति, सर्दी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है नक्स भूमिका, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड एयर, इसलिए ये याद रखिएगा टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाता है, एग्रेवेट हो जाता है इसका कंप्लेन, ठीक है। मेंटल एग्जर्शन मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मॉर्निंग वेकिंग, ठीक है, ये सुबह उठने वाला होता है। क्यों सुबह उठता है, दर्द की वजह से, पेन की वजह से, इसका कंप्लेन सुबह में बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 3 से 4 बजे, ये इसका एग्रेवेशन है। एम्यूलेशन की बात करते हैं, आराम इसको कैसे मिलता है, ठीक है, तो इवनिंग में, इन इवनिंग शाम में इसको एम्यूलेट होता है, एट रेस्ट आराम करने से भी इसका, या फिर लाइंग डाउन जब वो लेटता है तो इसका कंप्लेन डिक्रीज होता है, एट लाइंग डाउन। डैम्प वेदर में यानी कि जब मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होता है या फिर ह्यूमिडिटी होता है, डैम्प वेदर या ह्यूमिड वेदर जिसको बोल सकते हैं, तो उस समय इसको बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमिड एयर इसको दोस्तों पसंद है, और इसका कंप्लेन कम हो जाता है, एम्यूलेट हो जाता है। तो ये था दोस्तों नक्स भूमिका, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखने के बाद आप एलन की नोट्स पढ़िए, उसके बाद आपका पूरा का पूरा नक्स भूमिका एलेन से, और फिर बोरिक भी पढ़ लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता था दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।